अता फरमाया जिसकी कोई इंतहा नहीं। जिस तरह की लिखा है कि हजरत इमाम रिजाली रहमतुल्लाह ताला आलम बरजख के अंदर, यानी आपका जब विसाल हो गया आलम बरजख में सैयदना हजरत मूसा सल्लल्लाहु अला नबीना अलैहि वसल्लम की मुलाकात हो गई, तो हजरत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया हजरत इमाम रिजाली ने कि हजरत आपने फरमाया था मा तिलका बिजमीन के या मूसा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे पूछा कि आपके दाने हाथ में क्या है, और आपने शुरू फरमा दिया कि आप कह दिया कि तवक्कौ अलैया वहुश बिहा अला गनमी वली फीहा मआरब उखरा। आप इतने ज्यादा पढ़ते जा रहे थे, क्या बात थी? फरमाया मुझे रब के साथ कलाम करने में लज्जत हासिल हो रही। तो अर्ज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लौटान मिसल हादा फी उम्मती, अगर इस इंसान जैसे मेरी उम्मत में होती लम्मा तहबदु यहूदा, और कभी यहूदी यहूदी न मरते सही मुसलमान ही रहते। आप गौर फरमाए जिस उम्मत के अंदर इस कदर इल्म आलाम और इस कदर अल्लामा सुल्तान मौजूद हो और इतना इल्म वाले हों, तो आप गौर फरमाए कितनी बड़ी शान है। तो फरे आलम आप हदीस सुनते हैं, आप किस कदर हदीस से सुन रहे हैं, तो कितना इल्म अल्लाह ताला आपको अता फरमा रहा है।